मेरे तो काम है तो घर ले जाए कि फोटो जमा कर कर आए, मेरे को कुछ भी नहीं ना, मेरे का हमने कहीं 60 साल बंधाई दे ना, विधवा कराए दे कुछ भी नहीं। आवाज कोई नहीं मिला, लेटरिन करी बनवा दे, मेरी दोबा का जगह बनवा दे, बनवा दे, बने नहीं, हमको नहीं बनी अभी हाथ लगने मेरी, कोई देख ले। आवाज बगैर हमारी, हमारे इधर किसी को एक आवाज नहीं मिला। अच्छा। हमारे 4 बार कागज गए लेकिन लेटरिन का नंबर आज भी नहीं आया। गली गली और मोहल्ला करते करते हो हल्ला, गली गली और मोहल्ला करते करते हो हल्ला, हल्ला हो हल्ला हल्ला। नमस्कार, मैं हर्षित मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। हम मौजूद हैं इस समय भावलखेड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत कहलिया रुद्रपुर में। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये बोर्ड लगा हुआ है खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायत कहलिया रुद्रपुर विकास खंड भावलखेड़ा जनपद शाहजहांपुर। और ये आप बोर्ड के पास जो देख पा रहे हैं, यहाँ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। क्या जमीनी हकीकत यहाँ की क्या है, हम आपको दिखाएंगे और रूबरू कराएंगे यहाँ की जनता से। क्या शौच खुले में शौच मुक्त ये ग्राम पंचायत हो पाई है या कागजों में ही खुले में शौच मुक्त है, यहाँ के ग्रामीण हमारे साथ कुछ मौजूद हैं। आइए ये बताएंगे आपको कि यहाँ की जमीनी हकीकत क्या है। मिला है आपको? नहीं, मेरा कुछ भी नहीं मिलो। कुछ भी नहीं मिला? हाँ। मैं तो शौच के लिए कहाँ जाती हैं? मैं लाइन पार जाता हूँ, खेत में जाते, खेतों में जाते। हाँ, आप बताइए माता जी। मैडम नहीं कुछ भी मिलो, अब मैं तो खेते में जाती, कुछ भी नहीं मिलो। हाँ। मैंने कही मेरे 60 साल बनाए दे, विधवा को बनाए दे, कुछ भी नहीं बनते, मैं फोटो दे दे प्रधान कर आई। आप बताइए। हमारा शौचालय नहीं बना। शौचालय नहीं बना? आप बताइए। हमारा भी शौचालय नहीं बना है और आवास के लिए ऑनलाइन कराई, वो भी मेरी कटा दी। आप बताइए जी। नहीं बना है शौचालय। आप लोग यहाँ हैं, किसी का भी शौचालय बना है? नहीं। आपका? नहीं। आपका बना है? नहीं, किसी का। आपका बना है? नहीं। आपका? नहीं। तो आप देख सकते हैं जमीनी हकीकत यहाँ की क्या है, कि ये कागजों में ही शौच मुक्त हुआ है। जमीनी हकीकत मैंने आपको दिखाई, हमारे साथ यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं कि यहाँ की जमीनी हकीकत क्या है। आज भी ये लोग खेतों में बाहर शौचालय में जाने के मजबूर हैं। यहाँ के ग्राम प्रधान से बार बार कहने पर, ऑनलाइन कराने पर, यहाँ के अधिकारियों से शिकायत करने पर इनकी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। ये कागजों में अधिकारियों की मिलीभगत से यहाँ के ग्राम प्रधान ने इसको खुले में शौच मुक्त घोषित करा दिया है। हमारे इधर तो कुछ करवाया नहीं। अच्छा, जैसे आवास वगैरह? आवास वगैरह हमारी, हमारे इधर किसी को एक आवास नहीं मिला। अच्छा। हमारे 4 बार कागज गए लेकिन लेटरिन का नंबर आज भी नहीं आया। अच्छा। रोड वगैरह बनवाए हैं? रोड वगैरह जे जिला पंचायत से पहले बना था, उसके बाद हमारे दरवाजे के सामने जो है खड़ंजा है रोड से इतना खाले में, अभी भी कीचड़ मौजूद है, न नाली है न रोड है। सफाई कर्मी आते हैं? सफाई कर्मी आते हैं, प्रधान के यहाँ जाते हैं, जहाँ वो बताते हैं वहीं सफाई करते हैं। तो कितनी बार, मतलब महीने में कई बार आते हैं? महीने में आते तो रोज हैं, लेकिन वो वहीं ड्यूटी देते हैं। आप गांव के अंदर जब आए होंगे तो गांव में जब पानी बरसता है तो इतना इतना कीचड़ भर जाता है गांव किनारे, गांव की बाहर के लिए जो निकास के लिए नाली है वो पूरी बंद है। यहाँ कुछ नहीं हुआ है, सब पक्षपाती से काम हुआ है। इतने जो केंद्र सरकार से इतनी लेटिनें आई हैं, हमारे यादव बिरादरी में या हमारे सपोर्टर हैं, उनको किसी को शौचालय नहीं मिला है, किसी को आवास नहीं मिला है, और कोई यहाँ इधर सफाई कर्मी तक नाली साफ करने नहीं आता है। वो केवल प्रधान की भैंसों को जो है चारा खिलाता है, उनकी भैंसों को नहलवाता है और अपने बस उन्हीं के दरवाजे में जो है झाड़ू लगाता है। जो आवास मिले हैं उनकी जाँच कराई जाए, ऐसे लोगों को आवास जिनकी मड़ैया पड़ी हैं, उनको रहने की छत नहीं है, उनको जो है आवास मिला नहीं है, उनको मिलना चाहिए। अब मिला आवास ऐसे लोगों को जिनकी 2 मंजिलें खड़ी हैं, आप जांच करवा लीजिए, ऐसे लोगों को जो है आवास मिले हैं, और जिन जो पात्र हैं उनको नहीं मिले हैं। जिनका पूरा पक्का मकान बना है उनके जो है आवास उन्हें मिले हैं। कैसा काम कराया आपके ग्राम प्रधान? अरे कुछ नहीं कराओ न, लेटरिन कुछ नहीं है। अच्छा। आवाज वगैरह मिला है आपको? कुछ भी आवाज नहीं मिला, कुछ नहीं मिलो, देख लो घर में आप चलाई घुसी के। हाँ, लेटरिन वगैरह? लेटरिन जाइए का हमारे बड़े लड़के मिली है ना, ये सब लोग आई है। ऐसा काम करा है आपके ग्राम प्रधान? मेरे घर को कोई चीज नहीं मिली। अच्छा। खाली राशन के अलावा आवास वगैरह नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिलो। तो इसके लिए आपने ग्राम प्रधान से कहा? और कई लेटरिन बनवाई दो तो कोई बनवाई दी। हम 3 भाई हाँ, है। 4 लोग आए, कोई हम 3 भाई हैं, तीनों में से किसी को भी ना शौचालय मिले ही नहीं। अच्छा। हाँ, कोई मतलब ना हमारा कोई खेती का पैसा आता, ना हमारे पास कुछ भी नहीं, ना हमारी आज तक विरासत चढ़ी। तो इसके लिए शौच के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? बाहर जाते हैं।
बाहर जाते हैं, खेतों में जाते हैं, खेतों में। आवास वगैरह मिला है? आवास नहीं मिला जी। अच्छा, इसके लिए आवास, आवास के लिए आपने प्रधान से कहा? कहा, बिल्कुल कहा जी। तो क्या कहा? प्रधान आश्वासन देता रहा, बाकी कुछ नहीं करा जी। मेरे तो काम है तो घर ले जाए कि फोटो जमा कर कर आए, मेरे को कुछ भी नहीं ना, मेरे को हमने कहीं 60 साल बंधाई दे, विधवा कराई दे, कुछ भी नहीं, क्या करें। आवास वगैरह मिला आपको? कुछ नहीं भैया, मैं तो कुछ नहीं मिलो। वृद्धा पेंशन वगैरह मिलती? कुछ नहीं मिलती मेरे को, कुछ भी नहीं मिलती। और तो इसके लिए आपने प्रधान से नहीं कहा, ग्राम प्रधान? अरे प्रधान घर घर जाए, घर में जाए के फोटो दिया है, कुछ भी नहीं दो, कितने दाई कागज दिया है, फार्म दिया, कुछ नहीं भाई, सब जपत कर ले। ऐसा विकास कार्य कर रहा है प्रधान? कुछ भी नहीं कराया है यहाँ, इस मंजिला पे अंदर नहीं कुछ भी हुआ है। हाँ, और आवास वगैरह मिला है? आवाज कोई नहीं मिला, लेटरिंग करी बनवा दे, मेरी दोबा का चुका बनवा दे, बने नहीं, हमको नहीं बनी अभी, हाथ लगने मेरी कोई देख ले। तो आप सोच के लिए कहाँ जाते हैं? अब खेतों में जाते हैं और कहाँ जाएंगे? पर कह रही तुम्हारा मरघट बनवा देंगे, हमारे मरघट भी नहीं बनवाया, हमारी कबर हमारी खुद की हमारी, प्रधान ने अमित कुमार ने कही थी। कोई नहीं बोला था कि एक भाई नो कुछ दे दो आवास, आवाज कहीं इनकी कवर बनवाई दी। आवास वगैरह नहीं है आपके पास? हमारे नाम कुछ नहीं है। शौचालय वगैरह? शौचालय है खाली एक आया, तो हमने फार्म डाले जो लिखने वाले आए उन्हें हमने दिया, प्रधान ने हमको कुछ नहीं दिया, बस हमारा ऊपर से आया मोदी जी ने दिया। बताइए आपको आवास वगैरह मिला? नहीं सर। तो इसके लिए आपने ग्राम प्रधान से कहा? जी हाँ, मैंने वो 1076 पे नंबर भी लगाया था। अच्छा। और मैंने वो अपने माने विधायक जी से भी वहाँ पे लिखवा के लाए थे पेड़, मगर प्रधान जी आए चेक करने आए, मगर बना कुछ नहीं। तो ग्राम प्रधान ने क्या कहा आपसे? वो तो मेरे खिलाफ है भाई। तो आपने नहीं कहा ग्राम प्रधान से? मैं कहा उनसे, जो मैंने कहा था मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। लेटरिन वगैरह कुछ? वो भी नहीं कुछ, लिख ले गए एक बार कि मैं आएंगी, मगर फिर नहीं आई कुछ। तो इसके लिए समझ के लिए कहाँ जाते हैं? मैं बाहर मजबूरी में जाता हूँ, क्या करें, है नहीं कुछ सुविधा। शौचालय वगैरह कुछ नहीं मिला? तो शौच के लिए कहाँ जाती हैं आप? खेत। अच्छा, तो इसके लिए ग्राम प्रधान से नहीं कहा आपने? कहा, लिख ले गए। अच्छा, और रुका गैस सिलेंडर लिखवाओ, बेहू नहीं मिलो, कोई चीज नहीं मिली, सरकारी कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा भी नहीं हम लोगों के पास आई। आवास के लिए ऑनलाइन कराया, वो भी नहीं आया, मेरा कट गया, हमसे फोन से बात की, वो भी नहीं आया, देखने भी नहीं आया। और हमारा लेटरिन जो आया था उसका पैसा मेरा लोन में कटा दिया, प्रधान को ले गए, उन्होंने निकलवाया भी नहीं। तो इसके लिए ग्राम प्रधान से नहीं कहा? कहा सर, उन्हीं उनसे कहा तो उन्होंने उनको पैसे भी देने को कहा, बद गए निकाले, निकलवाए ही नहीं। और हमारे यहाँ एक भी नहीं, हमारे जो भाई साहब हैं इनका भी नहीं बना है, जो और लोग हैं इनके भी नहीं है, ना आवास है ना कोई। राशन कार्ड जो है हम लोगों के BPL के थे वो भी कटवा के, जो अंत्योदय थे वो उनके बनवा दिए, हमारे जो सबके बनते थे वो बनवाए गए। तो ग्राम प्रधान ने क्या कहा इसके लिए? ग्राम प्रधान ने जो करता है हमारे तो खिलाफ है, जो करता है तो अपने वोटों को करता है।